हाँ दोस्तों, जय श्री एलसी भाई, स्वागत है आपका गुरु नीति के 65/90। जितेंद्र सर जी बिल्कुल, नो डाउट एक अल्टीमेट सीरीज रही और एक बहुत ही शानदार सा सफर रहा। और अब अपन बात करते हैं जेनेटिक्स के 7 टॉपिक्स में अपन ने डिवाइड किया था इसको, 6 टॉपिक आपको हमने प्रोवाइड करवा दिए। आज ये 7वां टॉपिक रहेगा, इसमें अपन मेनली जो है बच्चों को डिसऑर्डर्स के विषय में बताएंगे। क्यों पेडिग्री एनालिसिस लास्ट लेक्चर लास्ट में कंप्लीट करवा दिया था अपन ने, तो बिना किसी विलंब किए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 242। हाँ ये तेंद्र सर पेन ले आते हैं, लास्ट लेक्चर में ये वो लेने गए थे, गेट बंद करने गए थे। एनीवे 242 पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये तेंद्र सर करेक्ट का पता करना है भाई अपने को। हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर, बिल्कुल ये बात हमने पहले ही आपको बता दी थी भैया। ये टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी, डोमिनेंट कौन सा है रिसेसिव कौन सा है, क्योंकि इसका कोई भी चूर्ण नहीं बनता है। अरे समझ गए, चलो ये तो ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी नहीं एक्चुअल में पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। येंद्र सर और ऐसा हो गया तो ये एलो बन गया, और अगर केस कैसा हो जाता है ऐसा पाया जा रहा था और इसमें ये केस बन जाता तो ये कैसा हो जाता, ये आपका डिफरेंट हो जाता, मतलब ये एलो और ये ऑटो, ये ऑटो पॉलीप्लॉइडी वो एलो बन जाता, ठीक है। तो ये बात तो क्या होगी गलत, ये डाउन सिंड्रोम जो है वो आपका यूप्लॉइडी है और उसके अंदर भी ये जो है आपका ट्राइसोमी 21 ऑटोसोम की ट्राइसोमी कहलाती है। क्यों फिनाइल केटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सी और डी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है, इसी का ही ऑपोजिट दे दिया है, डोमिनेंट नहीं हो सकता, ये गलत हो गया अपना। सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, बिल्कुल ठीक बात है। नितिन सर करेक्ट पूछा है, तो ए सी एंड ई, ए सी ई ऐसा ऑप्शन आपकी तरफ वाला ऑप्शन नंबर सही चला जाएगा। क्यों जी जी बड़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 243। जी सर यहां पे करेक्ट मैच हमें देखना है जी। सेक्स लिमिटेड रेड कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ये सेक्स लिमिटेड नहीं होता है, ये एलोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर है। बिल्कुल, इसको अप्रोच करने से पहले एक थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया मैं बता दूं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट वो होंगे जो किसी पर्टिकुलर सेक्स में ही देखे जाएंगे जी, और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट वो होंगे जो दोनों सेक्स में देखे जाएंगे। एक्चुअल में सेक्स लिमिटेड की जीन भी ऑटोसोम पर है, सेक्स इन्फ्लुएंस की जीन भी ऑटोसोम पर है, लेकिन सेक्स इन्फ्लुएंस वाले में जीन का जो एक्सप्रेशन आता है वो हार्मोन की वजह से आता है। क्यों हाँ, बाकी दोनों में ही हार्मोन का इफेक्ट जरूर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल हा? और लिमिटेड के अंदर कोई पर्टिकुलर जो करे सेक्स है उसी में वो आए, पर्टिकुलर उसी में ही आएगा, जैसे फीमेल में मेमरी ग्लैंड का एक्टिवेशन है। एग्जैक्टली, और इन्फ्लुएंस में जो पैटर्न ऑफ बाल्डनेस है, बिल्कुल दोनों में देखा जा सकता जो अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था। बिल्कुल तो जी आगे देखते हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट एक्सप्रेस इन बोथ सेक्स, लिमिटेड है यानी एक में होगा, एक में होगा दोनों में, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट मोर फ्रीक्वेंट इन वन सेक्स देन इन द अदर, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसे पैटर्न ऑफ बाल्डनेस की बात करें तो उसके अंदर हेटरोजाइगस जो कंडीशन थी, बिल्कुल, उसमें मेल में बाल्डनेस थी, फीमेल में नहीं थी। यानी ज्यादा चांसेस एक में, बिल्कुल ठीक, वो दोनों में सकता है। जी जी जी, जी। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट जो है वो पोर क्रीपिंग स्किन और इन्फ्लुएंस मतलब कि आपका दोनों के अंदर हो सकता है, लेकिन ये तो लिमिटेड हो गए, वाई लिंक्ड है ये, वाई लिंक्ड हो गया पोर्कुपाइन स्किन, और पोर्कुपाइन स्किन जो है इसमें स्केली स्किन हो जाती है, डार्क पिगमेंटेड स्किन जो है वो ब्लिस्टर की तरफ फूल जाती है, केराटिनाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, केराटिनाइजेशन हो जाता है, वाई लिंक्ड करेक्ट, ठीक है आपने, इन्फ्लुएंस नहीं, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का है लेकिन फिर भी आप याद रखें वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाता है पोर्कुपाइन स्किन जी। नेक्स्ट लें 244, ऑल आर सेक्स लिमिटेड ट्रेट एक्सेप्ट, ऐसा किसको छोड़कर सेक्स लिमिटेड है, बिल्कुल बिल्कुल, बियर्ड इन मैन सेक्स लिमिटेड है, पोर्कुपाइन स्किन ये वाई लिंक नहीं, और ये एक ही सेक्स में होगा, बिल्कुल ये मेल में ही देखा जाएगा। तो ये जो है ये ऑल आर सेक्स लिमिटेड एक्सेप्ट पूछ रहा है, एंटलर्स इन मेल लिमिटेड है, और ब्रिलियंट प्लूमेज इन पीकॉक, खूबसूरत पंख का पाया जाना ऐसा, बिल्कुल ये बात भी ठीक हो जाएगी। एक्सेप्ट पूछ रहा है सुनील जी, हां ऑल आर सेक्स लिमिटेड ट्रेट, तो पर्टिकुलर सेक्स में ही देखे जाएंगे, तो वो तो कौन से हो जाएंगे, ये भी पर्टिकुलर सेक्स में, एंटलर मेल्डियर में, और ब्रिलियंट प्लूमेज जो है वो पीकॉक, वाई लिंक्ड वाले को लेना चाहिए फिर यहां पे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट उसमें नहीं आ रहा है, नहीं तो वाई लिंक्ड आ गया, ये वाई लिंक्ड आ गया, होलेंड्रिक आ गया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो एक्सेप्ट वाला ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 245। जी सर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग है ना, इनकरेक्ट देखना है,
तो इसमें गैलेक्टोसेमिया जो है इज एन इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही है। इसमें यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम नहीं बनता है, बिल्कुल ऑटोसोमल जीन कोड करता है, और वो गैलेक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, बिल्कुल। अगर वो एंजाइम नहीं होगा गैलेक्टोज का लेवल बढ़ जाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, और गैलेक्टोज का लेवल बढ़ेगा तो फिर मेंटल रिटार्डेशन वगैरह हो जाएगा, बिल्कुल। ऐसे लोगों को मिल्क फ्री जो डाइट है वो दी जाती है ताकि लैक्टोज का डाइजेशन से गैलेक्टोज न बने, जी जी जी, डाइजेस्ट कर नहीं पाएंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक हो गए। स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ए पॉपुलेशन, ये भी सही है, क्योंकि ड्रिफ्ट के लिए पॉपुलेशन जो वो छोटा होगा, और डार्विन जो हार्डी विनमर वाला है उसमें पॉपुलेशन बड़ी होती है, और अगर लार्ज पॉपुलेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है तो उसका पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं। जी जी। बाल्डनेस इज सेक्स लिमिटेड ट्रेट, बाल्डनेस इन्फ्लुएंस्ड इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा, बिल्कुल। और लिंकेज इन एन एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। फिर तो ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा, क्यों इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 246, इन ड्रोसोफिला एक्स एक्स वाई कंडीशन लीड्स टू फीमेलनेस, वेयर इन ह्यूमन बीइंग द सेम कंडीशन लीड्स टू क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इन मेल, ठीक है जी। ये किसको प्रूव करता है, तो ह्यूमन में क्लाइनफेल्टर एक्स एक्स वाई कंडीशन ये हो जाती है, क्लाइनफेल्टर मेल होता है और क्लाइनफेल्टर मेल होता है, इसका मतलब ह्यूमन में वाई क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। ड्रोसोफिला में जेनिक वैलेंस थ्योरी थी, हां जेनिक वैलेंस लास्ट टाइम बाद में की थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वाई का रोल सेक्स डिटरमिनेशन में नहीं है, बिल्कुल। तो वहां पर ड्रोसोफिला के केस में तो 2 ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम, यहां पर 2 आ गए, इसका मतलब 2/2/2 1 बन गया, 1 तो फीमेलनेस को दर्शा देगा, लेकिन यहां पर ये मेलनेस को दर्शा रहा है, क्योंकि ह्यूमन के केस में वाई पर क्या पाई जाती है, सेक्स लिंक जीन प्रेजेंट, ऐसा कुछ ऑप्शन अपने को इसमें फाइंड आउट करना। तो इन ह्यूमन वाई क्रोमोसोम इज एक्टिव इन सेक्स डिटरमिनेशन, बिल्कुल ठीक बात है, और भी देख लेते हैं। वाई क्रोमोसोम इज एक्टिव इन सेक्स डिटरमिनेशन इन बोथ ह्यूमन बीइंग ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में तो जेनिक वैलेंस थ्योरी, इन ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम डिसाइड फीमेलनेस, नहीं, वाई क्रोमोसोम ऑफ मैन हैव जीन फॉर सिंड्रोम, मतलब इससे अप्रोच नहीं करता, बिल्कुल। तो करेक्ट ऑप्शन अपना फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट 247 डोमिनेंट ट्रेट पूछ रहे सुनील जी, कलर ब्लाइंडनेस एलोसोमल रिसेसिव है, ठीक है, ये एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव है, हीमोफीलिया एलोसोमल रिसेसिव है, और ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है वो डोमिनेंट है, ऑटोसोमल ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया, ठीक है। एक जो है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मस्कुलर भी होती है ना, एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक्चुअल में 9 जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, उन 9 कॉम्बिनेशन को क्या बोला है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उन्हीं में से एक टाइप कौन सा है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कहलाता है, कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का बन जाएगा, क्यों, एक्चुअल में इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है वो नहीं बन पाता, वो नहीं बन पाता है, इससे मसल वीक हो जाती है, मसल वीक हो जाती है। डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन है वो सारकोलेमा को कनेक्ट करती है मायोफाइब्रिल से, ठीक है, आपने इससे वीक हो जाती है, जी। Next 248. Which one of the following condition, though harmful in itself, okay, is also a potential savior from mosquito-borne infectious disease, okay? यानी सुनिए जी, sickle cell anemia वाली बात हो रही है। बिल्कुल उसी की बात हो रही है। जो उसके लिए heterozygous है अफ्रीका के अंदर। जी जी जी, बिल्कुल। HBA एक तो condition HBA बनती है जितने सर। एक condition HBA HBS बनती है। बिल्कुल। और एक condition HBS HBS बनती है। और ये लिथल है ना, और ये वाली जो है ये लिथल होगी, जानलेवा होगी, इसका मतलब है जो अफ्रीकन वाले केस में जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा वो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, यानी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो जाएगा, HBS का सिलेक्शन ज्यादा होगा वहां, क्योंकि इसकी वजह से कुछ आरबीसी नॉर्मल बनेगी, और इसकी वजह से सिकल सेल्ड और जो प्लाज्मोडियम है उसका जो लाइफ साइकिल है आरबीसी में भी कंप्लीट होता है, एरिथ्रोसाइटिक साइजोगनी नहीं हो पाएगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो उनमें मलेरियल डिजीज नहीं होगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाने के कारण प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और मलेरिया वाली कंडीशन नहीं देखेगा, ये जो है नॉर्मल वाले इस तरफ आ गए, बिल्कुल, इनमें मलेरिया हो जाएगा, इनमें मलेरिया हो गया, और इनमें सिकल सेल एनीमिया हो गया, वो वैसे इनमें दोनों ही नहीं हुए, दोनों ही नहीं हुए, इनका सिलेक्शन ज्यादा, सर्वाइवल ज्यादा हो गया, तो आंसर सिकल सेल एनीमिया, क्यों। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, अभी बताया था आपको 21 की ट्राइसोमी कहलाती है, 21वां ऑटोसोम जो है उसकी ट्रिपल कॉपी बन जाएगी, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एन अफेक्टेड मदर एंड ए नॉर्मल फादर वुड बी अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर। अब मदर कैसी बोल रखी है, अफेक्टेड, और फादर कैसा है, नॉर्मल, यानी इसमें 44 प्लस एक्स वाई, बिल्कुल, यहां पर 45 प्लस एक्स एक्स कंडीशन, इसका मतलब सुनिए गैमेट्स 22 प्लस एक्स एंड
23 प्लस एक्स ये कहा आपने, यहाँ पर 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई इसका मतलब सुनिए ये 50% हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला जो गैमिट है ना 23 प्लस एक्स है, ये एक्स के साथ और वाई के साथ जाएगा, तो ये वाली 50% प्रोजेनी जो है वो इस डिसऑर्डर से अफेक्टेड करेगी, यानी उस 50% में लड़की भी होंगी और लड़के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कैसा हो गया ऑटोसोमल टाइप का हो गया, तो 50% फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 250 जी सर, मेंडेलियन डिसऑर्डर देखना है, एक तो क्रोमोसोमल जी, एक मेंडेलियन, एक जीन रिलेटेड हो गया, जीन रिलेटेड हाँ। तो मेंडेलियन जो वो जीन रिलेटेड है और वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो करते हैं, बिल्कुल ठीक है, हीमोफिलिया है, मतलब आपके कहने का मतलब इनकी पेडिग्री बन सकती है, बन सकती है हाँ, जीन रिलेटेड की पेडिग्री देखी जाती है जी सर। हीमोफिलिया है, एलोसोमल रिसेसिव, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया है, एलो सॉरी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ये तो सारे हो गए, फिर सारे हो गए बिल्कुल जी, जीन रिलेटेड ही कहला रहे हैं सारे जी। 251 टर्नर सिंड्रोम एक्स जीरो कंडीशन, एक सेक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी, अब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ये आ रहा जाएगा, यानी ये मोनोसोमी है क्यों, बिल्कुल बिल्कुल ये मोनोसोमी कंडीशन बन गया। तो एसक्यूपीआर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, एनसीईआरटी में दोनों के डायग्राम थी, टर्नर हमेशा फीमेल है, टर्नर फीमेल, क्लाइनफेल्टर मेल, मेल है, ये रिप्रेजेंट करेगा ये मेल में होगा और ये जो है ये फीमेल में, क्यों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 252 जी सर, ओके यहां पे एक पेडिग्री चार्ट दिया इसमें okay. और इसके अंदर पूछा क्या गया है कि इन दो पेरेंट्स okay. का जीनोटाइप क्या है, क्यों okay. तो फर्स्ट साइड एल्बिनो है, इसका मतलब सुनिए स्मॉल है, स्मॉल है ये नॉर्मल है, स्मॉल है स्मॉल है, इसका मतलब दोनों हेटेरोजाइगस हो गए, दोनों हेटेरोजाइगस और ये नॉर्मल है हां, तो नॉर्मल ऐसा भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस केस भी हो सकता है, ये भी ऐसा हो सकता है, और ये एल्बिनो स्मॉल है स्मॉल है, इसका मतलब दोनों हेटेरोजाइगस हो गए, यहाँ पे डिसऑर्डर है नहीं, यहाँ पे डिसऑर्डर है, इसका मतलब दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, हेटेरोजाइगस वाला केस कौन सा बन रहा है भैया, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि रिसेसिव में अगर पेरेंट्स नॉर्मल है तब भी प्रोजेनी में डिजीज हो सकती है, हो सकती है, और अगर पेरेंट्स दोनों में डिजीज है तब भी नॉर्मल प्रोजेनी हो सकती है हेटेरोजाइगस, अगर हाँ बिल्कुल वो आप मतलब रिसेसिव की बात कर रहे हैं ना, हाँ अगर डिजीज है तब सब में डिजीज होगी, रिसेसिव अगर है ठीक है ना, और एक में डिजीज है और एक नॉर्मल है तब भी नॉर्मल हो सकता है या डिजीज भी हो सकता है, वहां पर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और ये मान के चले हमने लास्ट लेक्चर में आपको पेडिग्री का हाँ, बाल क्या होता है, बाल की खाल निकाल कर अपने बता दी थी, अलग अलग टाइप के हाँ बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए थे पेडिग्री के। नेक्स्ट 253 सिकल सेल एनीमिया, और सिकल सेल एनीमिक केस में क्या होता है भैया कि जो बीटा ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन की उस पर सिक्स पोजीशन पर पाया जाने वाला जो ग्लूटामिक एसिड है ये रिप्लेस हो जाता है वैलिन के द्वारा, आपसे गलती करवाता है, वैलिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूटामिक एसिड, ये गलत हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन के द्वारा, ग्लूटामिक एसिड जो है वो चार्ज है बिल्कुल, वैलिन हाइड्रोफोबिक है, वो हाइड्रोफोबिक है, प्रोटीन की नेचर ही बदल जाएगी, बिल्कुल ठीक है, जब भी ऑक्सीजन का स्ट्रेस आएगा, क्यों हां ऑक्सीजन स्ट्रेस कंडीशन में, और ये क्वालिटेटिव कह सकते हैं हां ये क्वालिटेटिव टाइप का कहलाएगा, ठीक है आपने, कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड, वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड, ये देखो गलती करवा दी अपने से, ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन होना चाहिए था, कॉज्ड बाय चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, बिल्कुल ठीक बात है, सिंगल बेस पेयर के कारण ऐसा होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय एलोंगेटेड सिंगल लाइक आरबीसी विद ए न्यूक्लियस, सिकल एंड सिकल विद ए न्यूक्लियस, विद न्यूक्लियस गलत हो गया, और ऑल ऑफ दीज नहीं, तो अपने से एक सिकल सेल एनीमिया जो है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक भाई, तो इसका वो जो एमआरएनए की कोडिंग और एनसीईआरटी का फिगर है, हां डीएनए की कोडिंग और एनसीईआरटी का फिगर जरूर देखना है आपको, ठीक है। 254 जी सर, एक आदमी जिसके अंदर एनलार्ज ब्रेस्ट है और जो हेयर्स वगैरह वो भी बॉडी के ऊपर बिखरे हुए हैं, सेक्स क्रोमोसोमल फार्मूला XXY, ये तो क्लाइनफेल्टर हो गया, क्लाइनफेल्टर हो गया डायरेक्ट जी, ट्राइसोमी हो गई बिल्कुल बिल्कुल, और टर्नर की अगर बात करते हैं तो X0 कंडीशन मोनोसोमिक केस बन जाता, डाउन सिंड्रोम बहुत बार बात कर ली, 21 की ट्राइसोमी होगी, एडवर्ड 18th ऑटोसोम की ट्राइसोमी कहलाती है, और ऐसा तब भी हो सकता है जब एक में डबल एक्स हो हाँ और स्पर्म नॉर्मल हो, बिल्कुल ठीक वाई वाला ठीक, या हो सकता है कि XY एबनॉर्मल एग हो जाए, XY एबनॉर्मल स्पर्म बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल एग यहां पर ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, या तो एग ऐसा आ जाए
और स्पर्म ऐसा आ जाए तो हो सकता है, या फिर स्पर्म ऐसा आ जाए और एग ऐसा आ जाए तब भी हो सकता है, तब भी हो सकता है। तो एबनॉर्मल एग विद नॉर्मल स्पर्म, नॉर्मल एग विद एबनॉर्मल स्पर्म, दोनों की वजह से क्लाइनफिटर क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे जो है दो क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट किया है और साइज दोनों का अलग अलग है, इसका मतलब ये वाई हो सकता है, एक्स हो सकता है, क्योंकि एक्स बड़ा होता है वाई से, ठीक है। और क्या पूछा, जीन ए एंड बी कुड बी, यानी ए और बी कौन से हो सकते हैं, अगर ये एक्स है तो इसका मतलब एक्स लिंक्ड कैरेक्टर अपने को देखना है। तो कलर ब्लाइंडनेस तो ओके है, लेकिन बॉडी वेट तो ऑटोसोमल हो गया, अटैच्ड ईयर लॉक ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल रिसेस ब्लड ऑटोसोमल है दोनों ही। हीमोफीलिया और रेड ग्रीन, हीमोफीलिया ये जो है ये कैसे एलोसोमल हो गया, एक्सलिंक्ड है और ये भी एक्सलिंक्ड है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये ऑटोसोमल है, बिल्कुल, और ये एलोसोमल हो गया, ये एलोसोमल हो गया। तो अपने को एक्सलिंक्ड बताना है, तो एक्सलिंक्ड का केस जो है हीमोफीलिक बन जाएगा एक्सलिंक्ड, और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल बन जाएगा, तो ये चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही कैसे है, ऑटोसोमल, ये ऑटोसोमल है, फिनाइल केटोनुरिया ऑटोसोमल है, और हीमोफीलिया की बात करें ये सच लिंक्ड है। फिर वही बात सर ने जैसा कहा, टेबल याद करनी पड़ी, चूर्ण नहीं है इसका भाई जी। एक कंडीशन बता रखी है आपको, गैमेटिक फ्यूजन विल कॉजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब एक गैमेट तो ये हैप्लोइड नेचर है, और एक गैमेट में एक क्रोमोसोम नहीं पाया जा रहा है, 2n-1, 2n-1 मोनोसोमिक केस, और मोनोसोमी मतलब टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि इसमें भी एक्स्ट्रा है, ये 21 की ट्राइसोमी होगी, और इसमें 21वां एक्स्ट्रा है, ये 13वीं की ट्राइसोमी होगी, बिल्कुल, तो इसमें कम हो रहा है, इसमें कम हो जाएगा। नेक्स्ट 257 जी सर, इनकरेक्ट अबाउट थैलेसीमिया के बारे में जो है वो गलत अपने को देखना, थैलेसीमिया सुनील जी जैसे ये भी ऑटोसोमल है जी जी, और ये क्वांटिटेटिव है, इसमें मात्रा कम हो रही है, ठीक है। एक्चुअल में ये एक प्रकार की जो है वो एनीमिक कंडीशन है, एनीमिक कंडीशन जी जी, और इसमें हो सकता है अल्फा चेन कम हो जाए या बीटा चेन कम हो जाए, और जो सिकल सेल एनीमिया था वो क्वालिटेटिव था, उसमें ग्लोबिन चेन बन रही है, हाँ, सिंगल नाइट्रोजन बेस सब्स्टिट्यूशन के कारण हुआ था, उसमें ग्लोबिन चेन बन रही है, ठीक है, डिफेक्टिव बन रही है, डिफेक्टिव क्वालिटी खराब थी, हाँ, और यहाँ पर क्वांटिटी कम है, यहाँ पर क्वांटिटी, एक ग्लोबिन चेन बन ही नहीं पाएगी, और उसकी वजह से फिर जो हीमोग्लोबिन बना डिफेक्टिव टाइप का, ठीक कहा आपने, ऐसा आपने इसके अंदर देखना है। दिस ब्लड डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इन व्हिच बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड, बोथ द पार्टनर्स आर सॉरी पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन, सही है। अगर दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हैं, हेटेरोजाइगस हैं, प्रोजेनी में डिजीज हो सकती है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव, रिसेसिव है, ओके। द डिफेक्ट इज ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन व्हिच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस्ड rate of synthesis of one of the globin chain that make up ये abnormal hemoglobin, बिल्कुल बिल्कुल, that make up hemoglobin है ना, हाँ, तो ये बात तो सही होगी कि इस डिफेक्ट में क्या होगा, एक ग्लोबिन चेन जो उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जितेंद्र सर थोड़ा सा बच्चों को इस बारे में बता दें आपको, एक हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है चार चेन्स पाई जाएंगी, ठीक है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये चार चेन मिलेंगी। अल्फा जो है वो 141 अमीनो एसिड का, बीटा गामा और डेल्टा जो है वो 146 अमीनो एसिड की बनी हुई चेन कहलाती है, ठीक है। इसके बेसिस पर हीमोग्लोबिन तीन टाइप का यदि सर बन जाता है, HbA, HbA2 और HbF। HbA जो है इसमें दो अल्फा और दो बीटा पाई जाती है, और ये 96-97% होता है, हाँ, ये 90% के लगभग इसको मान सकते हैं, हाँ। और HbA2 3% होता है, और इसमें जो है दो अल्फा के साथ में दो डेल्टा पाई जाती है, डेल्टा और डेल्टा 2, हाँ बिल्कुल। और जो HbF फीटल हीमोग्लोबिन बनेगा, ये फीटल हीमोग्लोबिन जो है ये अप्रोक्सीमेटली जो है 7% के लगभग होता है, और इसमें दो अल्फा और दो गामा चेन की प्रेजेंस देखी जाती है, क्यों, तो ये बात भी ठीक होगी क्योंकि इसमें रिड्यूस्ड रेट बता रहा है सिंथेसिस की, तो ये भी ठीक है, वो जीन में या तो म्यूटेशन हो गया होगा, हाँ, और या डिलीशन हो गया, डिलीशन हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एनीमिया व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज, ये स्टार्टिंग में ही बताया था, एबनॉर्मल क्यों, क्योंकि अगर मान लो बीटा नहीं बनी, हाँ जी, अल्फा 1 अल्फा 2 जो कमी है उसकी जगह अल्फा 1 अल्फा 2 और आ सकता है, बिल्कुल, यानी चारों अल्फा हो सकते हैं, चारों अल्फा वो काम नहीं करेगा, ठीक बात है। और अगर मान लो अल्फा नहीं बना तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 1 बीटा 2 ऐसा टेट्रामर बन जाता है, वो भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल हो जाएगा जी। नेक्स्ट कह रहा है, थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट फॉर्मल मतलब थैलेसीमिया इज ए क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव है, यहां पर तो ग्लोबिन चेन ही नहीं बन रही है, क्यों, प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस एंड इन करेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन व्हाइल द लेटर मतलब सिकल सेल एनीमिया इज क्वांटिटेटिव नहीं ये क्वालिटेटिव, उल्टा हो गया, इसका मतलब उल्टा कर दो इनको भैया, ठीक है।
तो यही गलत हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। चले 258, विच अमीनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड इन सिकल सेल एनीमिया। डिटेल में बात बता दी आपको, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन, लेकिन कौन सी चेन है ये? बीटा, हां बीटा ग्लोबिन चेन, तो ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, फोर्थ ऑप्शन जी। 259 मैचिंग वाला कॉलम है ना? हां जी, चलो देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया का जो क्रोमोसोम है सुनील जी वो 11 ठीक है, पीकेयू के लिए है 12वां, 12वां हो जाएगा, और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए 7वां, और मायोकिन डिस्ट्रोफी के लिए 19वां, और हीमोफीलिया बच्चों को बताइए एक्स लिंक्ड हो जाएगा, इसे याद रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सिकल सेल एनीमिया थर्ड बोला है क्या आपने? जी जी। फिनाइलकेटोन्यूरिया ये तंत्र सर पांचवा, पांच सिस्टिक फाइब्रोसिस फर्स्ट, तो ये तीन ही देख लेते हैं। 354 3531 और अगला कौन सा आ रहा है? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? फिर से देखना पड़ेगा। ए में तो है थर्ड, हाँ, और बी में है फाइव, बी में है फाइव ठीक है, और सी जो है हाँ उसके अंदर हो गए वन वन, सी में वन का मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड चला गया 351 जी। नेक्स्ट 260, A man and woman who do not show any apparent sign of certain inherited disease, man और woman दोनों में कोई disease का sign नहीं है, have 7 children, 2 daughter हैं, 2 और 5 son हैं, 3 of the sons suffer from the given disease, but none of the daughter are affected, which of the following mode of inheritance do you suggest for the disease? इसका मतलब है एक particular sex में आ रहा है, और ये वो है आपका क्रिस क्रॉस यानी एक्स लिंक्ड हो सकता है, हां क्योंकि मदर से ये बेटे में आ रहा है, और एक्स लिंक्ड में भी रिसेसिव क्योंकि मदर नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है, और मदर के अंदर जो एक एक्स है उसमें डिफेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक है, फादर नॉर्मल है इसका मतलब डॉक्टर में डिजीज होगी नहीं, हां इसका तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, हां पेडिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो दोनों पेरेंट में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं उनमें से 5 बेटों में से कुछ बेटे जो हैं वो 3 बेटे सफर कर रहे हैं इससे, और 3 बेटे अगर सफर कर रहे हैं, हाँ बेटियां नहीं सफर करेंगे। यतिंद्र सर बिल्कुल इसको जी, मतलब इस तरीके से 3 बेटियां हैं सर, हाँ तीनों नॉर्मल दिखा रखी है, नहीं नहीं दो बेटियां, दो अच्छा बेटियां दो, हाँ और 5 बेटे, 5 बेटे, और उनमें से कितने सफर कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं मान लो, हाँ और बाकी के 2 और हैं वो नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है आपने। अब इसका मतलब अगर डिजीज की बात करें तो ये अगर अपन सेक्स लिंक्ड की भी अगर बात करें ये एक्स वाई कंडीशन होगी ठीक है, और इससे इसमें अगर सेक्स लिंक्ड डिजीज आ रही है तो हो सकता है कि वो जीन वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, ये स्मॉल एच वाला इधर से आया, ठीक बात है, और अगर डॉक्टर की बात करें अगर इसमें स्मॉल एच आया भी है तो इधर से नॉर्मल आ गया, इधर से नॉर्मल आ गया डिजीज होगी, ये अनअफेक्टेड हो जाएगी, तो पॉसिबल केस सेक्स लिंक्ड कैसा बन जाएगा? रिसेसिव बन जाएगी ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि क्योंकि डोमिनेंट में दोनों में या किसी एक में डिजीज जरूर होगी, बिल्कुल, और दोनों नॉर्मल है तो डोमिनेंट को तो वैसे ही बाहर कर दिया, वैसे बाहर कर दिया, क्योंकि डोमिनेंट वाले केस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं हो, क्योंकि आगे की अगर जनरेशन में डिजीज पाई जा रही है तो पेरेंट्स से ही है, इसका मतलब इन दो ऑप्शन को तो पहली बार कर दिया, पहली बार कर दिया, वाइल्ड लिंक्ड जो है वो मेल से मेल में जाएगा, ठीक बात है, मेल डिजीज है, और मेल से मेल में जाएगा, ये अफेक्टेड नहीं है, उसके अलावा 2 बेटे और भी बच गए उनमें भी अफेक्ट नहीं है, तो वाइल्ड लिंक्ड वैसे नहीं होगा, सीधा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, बिल्कुल अच्छा अप्रोच किया क्वेश्चन को। नेक्स्ट 261, जेनेटिक डिजीज है सुनील जी, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, क्या पूछा है? अच्छा यही पूछ रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव पूछ रहा है, तो अपना थैलेसीमिया हो जाएगा 1, और फिनाइलकेटोन्यूरिया एल्बिनिज 3, सिस्टिक फाइब्रोसिस 4, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, मतलब थर्ड चला जाएगा 4। नेक्स्ट 262, वही डायग्राम आ गया अभी अपन बात कर रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया, तो जिस फिगर की अपन बात कर रहे थे, तो ये आपको एक तो ये कोडिंग याद रखनी है यहाँ पर कि किसका चेंज आता है, यानी ये नॉर्मल है, बिल्कुल जी ए जी, यहाँ पर ए की जगह जी टी जी आ गया, तो दूसरी जो कोडिंग स्ट्रैंड होगी उस पर ए कोड करता है थायमिन को, ये यतिंद्र सर ठीक है, ये तो डीएनए की बात हो रही है, और ये यहाँ पर ए की जगह टी आ गया तो टी कोड करेगा अब एडिनिन को, क्यों? इससे बनने वाला जो एमआरएनए है वो इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, क्यों? तो साइटोसिन गुआनिन थायमिन एडिनिन को कोड करेगा, साइटोसिन गुआनिन, अब केस क्या बन गया, सी ए सी, टी की जगह ए आ गया, तो ए किसको कोड करेगा, थायमिन को करना चाहिए, लेकिन आरएनए में तो थायमिन होता ही नहीं है, यूरेसिल होगा, तो कंडीशन जी ए जी की जगह क्या बन गया, जी ओ जी, तो एक सवाल तो ये बनेगा कि ये जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रैंड है उस पर क्या चेंज आया है, मतलब डीएनए में क्या चेंज आया, क्यों डीएनए में टी की जगह ए आया है, लेकिन इसमें ये भी पूछ सकता है कोडिंग स्ट्रैंड पर क्या आया, नॉन कोडिंग पर क्या आया, क्योंकि कोडिंग वाला जो होगा वो आपका ये होगा, बिल्कुल, और ये नॉन कोडिंग है या टेम्पलेट स्ट्रैंड, कैसे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगी, और उसके बाद एमआरएनए पर पूछ सकता है,
तो जीएजी की जगह सिकल सेल एनीमिया में जीयूजी बन जाता है, और ऐसी अगर बन गई तो जीएजी तो किसको कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को, जीयूजी कोड करता है वैलिन को। तो इस प्रकार ये तीन क्वेश्चन यहाँ से इस फिगर से बन सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ये दोनों डायग्राम देखकर भी आपको बता सकता है कि पहचानिए सिकल सेल वाला कौन सा डायग्राम है, नॉर्मल हो गया वो सिकल सेल हो गया। तो बीटा थैलेसीमिया तो होगा नहीं, होगा नहीं, और हीमोफीलिया भी नहीं, बिल्कुल, तो सिकल सेल एनीमिया ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों जी 263 जी सर, टर्नर सिंड्रोम जो है उसमें सेक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस होती है सर जी, ठीक है, और डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम थर्ड हो गया, ठीक है, क्लाइनफेल्टर में एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम फर्स्ट हो गया, तो पीकेयू जो है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर जीन रिलेटेड से, तो 4312 फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट 264, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन नॉर्मल फीमेल में भी हो सकता है, सुपर फीमेल की अगर बात करें एक्स एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम की बात हो जाएगी। नेक्स्ट 265, the best term for mutation which arises due to change in single base pair of the point mutation single base pair point mutation कहलाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात करें, ये तो स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, अच्छा सुनिए जी, पॉइंट म्यूटेशन तो होगा ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन जी, और ये होगा ड्यूरिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेशन के समय, और ये वाली जो है वो एनाफेज, ठीक है, एक सेट जो है ना वो कम हो जाएगा, एक सेट कम हो जाएगा, 2n-n हो जाएगा, तो इसका तो चला जाएगा, इसको मोनोप्लॉइडी को अपन n भी कह सकते हैं, हां बिल्कुल, 2n-n हो गया ना, हां n हो गया, मोनोसोमी का मतलब 2n- ये फर्स्ट हो जाएगा, और नलीजोमी 2n-2 2n-2 फोर्थ हो गया, ट्राइजोमी जो है वो आपका 2n+1 और सेकंड टेट्राजोमी जो है 2n+2 2n+2 तो 5 1 4 2 3 5 1 4 2 3 बिल्कुल, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पहला ऑप्शन ही हमने मैचिंग में रख रखा है, क्यों जी। नेक्स्ट 268, ए म्यूटेशन इवेंट व्हेन एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय थायमिन, जैसे प्यूरीन और पिरिमिडिन, बिल्कुल, तो इसमें एडेनिन एंड गुआनिन, इसमें थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिन है, और ये जो है आपका बेस सब्स्टिट्यूशन टाइप का पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है, और इसके अंदर अगर प्यूरीन टू प्यूरीन चेंज आ रहा है तो उसको तो सुनिए जी ट्रांजिशन कहते हैं, वो तो ट्रांजिशन हो गया, एडेनिन से गुआनिन या गुआनिन से एडेनिन, ठीक है, और अगर थायमिन से साइटोसिन या साइटोसिन से थायमिन, वो भी वही है, वो भी ट्रांजिशन है, इनमें परिवर्तन आ रहा है आपस में, वो ट्रांसवर्जन हो रहा है, एडेनिन से थायमिन हो रहा है, बिल्कुल, इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी याद रख लें, एक है प्यूरीन जी, एक है पाइरिमिडिन। अब बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसमें क्या आता है, तो यतेंद्र सर बड़ा नाम कौन सा है, पाइरिमिडिन, इसमें कट लगा दो, क्या लगा दो, कट लगा दो, तो ये इसके बराबर बन जाएगा, इसका मतलब सी यू टी तो इसमें आते हैं, बच गया एजी, वो एजी किसमें आ जाएगा, प्यूरीन में आ जाएगा, मतलब ये कट अच्छा लगा यार, तो ये याद रखना बड़ा नाम ये है, इसमें कट लगाना है, कट लगा दिया तो ये, और कट का मतलब साइटोसिन यूरेसिन और थायमिन, क्यों। नेक्स्ट 269, De Vries gave his mutation theory on organic evolution while working on, तो Hugo De Vries ने unique primrose के ऊपर जो है या Oinocera lemarckiana, ठीक है 270 जी सर, if haploid chromosome number is 10 okay, यानी n की वैल्यू सुनिए जी 10 है, then the monosomic number है ना 2n-1 यानी अगर ये 10 है तो 20 में से एक कम होगा, 19 हो गया, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। और ये तिंदे सर ऐसे ही कह रहे था कि हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर ये है,
नली स्वामी अगर पूछ लेता आपने 2n-1 -1 -2 कर सकते हैं 2n-2 18 हो जाता फिर तो कैसा भी करके देख सकते हो लेकिन ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए मोनोस्वामी क्या होती है ट्राइस्वामी क्या होती है नली स्वामी क्या होती है नेक्स्ट 271 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एन्यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी की बात कर रहे हैं इसके अंदर ये है ना हाइपो है टर्नर एन्यूप्लॉइडी है बिल्कुल और ये भी ये हाइपर है ये तो मोनो है ये मोनो है ये ट्राई है ये ट्राई और ये भी ट्राई है ये भी ट्राई है सारी हो जाएंगे यानी एन्यूप्लॉइडी जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में बदलाव आता है सेट में चेंज नहीं आएगा बताई दिया फिफ्थ क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म होती है उसका सम पार्ट डिलीट हो जाने के कारण ट्राइडुकेट सिंड्रोम आता है और इसमें बच्चे की जो रोने की आवाज होती है वो बिल्ली के जैसी हो जाती है क्यों तो क्राई लाइक ए कैट उसकी तरह क्राई करता है और ऐसा किसके कारण होता है डिलीशन के कारण विलोपन के कारण नेक्स्ट ये अपने जेनेटिक्स के यहाँ तक के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं ये वीडियो जो है वो एक्चुअल में आपको जो है फ्राइडे को भैया मिलना चाहिए था लेकिन आप अभी आपको पता है कि प्रोग्राम काफी शानदार प्रोग्राम हुआ था CLC आपके CLC 25 साल पूरे कर चुकी है रजत जयंती समारोह जो है वो 31 जनवरी को मनाया गया था और इस वीक के दौरान अपना जितना भी शेड्यूल है ये पूरा अपडेट हो जाएगा एक वीडियो जो अपना लैग बिहाइंड चल रहा है वो भी कवर अप करवा देंगे क्यों नितिन सर तो इजाजत चाहेंगे मिलते हैं अगले लेक्चर में इवोल्यूशन के साथ में ओके थैंक यू जय CLC